Today we will start our first chapter number system. What is number system? Number system के बारे में जानेंगे. Chapter number first में number system हमारा क्या है? उसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहला question दिया है exercise 1A का. Write the numerals for each of the following numbers. हमें इसको words में दिया गया है. Numbers में लिखना है हमें. तो सबसे पहले इस question को करने से पहले हम questions को देखेंगे. 9018 लिखा हुआ है. नंबर में आपका 9018 लिखा हुआ है. इसको आपको नंबर में पुट करना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 9018 लिखने में हमारी डिजिट्स क्या क्या आती हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. मींस वंस, टू, थ्री, फोर. आपकी फोर डिजिट आएंगी. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस नंबर को लिखने में कितनी डिजिट्स आएंगी तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो. इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़. ये सबसे पहले आपको जाना जरूरी है. अब आपने देखा कि 9000 लिखा है. 9000 जो है हमने शुरुआत में लिख लिया. अब उसने 18 लिखा है. तो अगर आप इसको डायरेक्टली अगर करके देखोगे तो 9000 लिखा है, 9 लिख दिया और आपने 18 लिख दिया, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका रॉन्ग. इसलिए हम प्लेस चेक करेंगे कि हमारे 9000 हमारा कौन से प्लेस पे आता है. फोर्थ प्लेस पे आता है. तो 9000 हमारा फोर्थ प्लेस पे लिख लिया. अब हमारी जो 100 वाली जो वैल्यू है उसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया गया है. इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया गया है. तो जिसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी गई होगी वह हम 0 पुट करेंगे. और फिर उसने दिया है 18, तो 18 पुट कर दिया. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका हो गया. इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेम अपोजिट क्वेश्चन है. इसको आपको नंबर को वर्ड में पुट करना है. तो यहाँ से हमने देखा 63005 लिखा हुआ है. तो यहाँ से 63005 को हमने पुट कर दिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें पुट करना है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू हमें जो हम लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में हम जो पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू के बारे में, उसी के बेसिस पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म को करते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि सबसे पहला नंबर दिया है वन दिया है, वन को हमने लिख लिया. अब इसके पीछे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये देखेंगे हमारे नंबर कितने दिए गए हैं. वन, टू, थ्री, फोर, फोर नंबर दिए गए हैं. तो उसको हम वन के मल्टीपल में लगा करके उसको लिख देंगे. जैसे वन के पीछे हमारे फोर नंबर दिए गए हैं तो वन के साथ उसको 40 बदल देंगे, चेंज कर देंगे. फिर प्लस का साइन लगाएंगे. फाइव लिखा है, फाइव लिख लिया हमने. अब कितने नंबर दिए गए हैं फाइव के पीछे, वन, टू, थ्री. तो वन, टू, थ्री वन के साथ हमने मल्टीपल में लगा दिया. ऐसे ही सेवन के साथ टू नंबर दिए गए हमारे, तो टू को हमने सेवन के साथ हमने हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई में लगा लिया. ऐसे सिक्स दिया गया है, सिक्स लिख लिया मल्टीपल में हमारा, एक जीरो लगा लिया. एंड एट के साथ कुछ भी एक भी जीरो नहीं दिया गया तो हम वहाँ वन लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर हमारा सेम इसका अपोजिट है. इसको हम नंबर सिस्टम को हम चेंज करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म को हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में पुट करेंगे. तो शॉर्ट फॉर्म में पुट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारे जीरोस जो दिए गए हैं वो सेम पैटर्न में दिए गए हैं. यहाँ कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ वन है, यहाँ टू, थ्री, फोर. तो हम इस नंबर को सीधा सीधा उठा के ले लेंगे. तो पहले नंबर यहाँ से पहला नंबर ले लिया, फिर दूसरा नंबर ले लिया, तीसरा नंबर ले लिया, चौथा नंबर ले लिया और पाँचवा नंबर ले लिया. यहाँ से हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स. क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें दो नाइन दिए गए हैं, टू नाइन्स. प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. तो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स, दो प्लेस वैल्यू उनकी फाइंड करनी है हमें. तो हमने पहले वाले नाइन की प्लेस वैल्यू फाइंड करी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. दूसरे वाले नाइन की प्लेस वैल्यू फाइंड की. नाइन के पीछे कितने नंबर हमारे, दो हैं. तो वो दो नंबर हमने दो जीरो में कन्वर्ट कर लिए. फिर उसने बोला है उसका डिफरेंस निकालिए. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है. तो हमने इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है हाउ मेनी. क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद हमारा सिक्स है. सिक्स हमारा सेम है. उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ सेवन. तो उसमें आपके क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका सेवन जो दिया गया है उसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका सेवन दिया गया है. उसकी आप प्लेस वैल्यू निकालोगे और फेस वैल्यू निकालोगे और उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे. क्वेश्चन नंबर सेवन में उसने बोला है हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर देयर इन ऑल.
हमारे 6 डिजिट के नंबर सभी कितने होते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले हमें दो चीजें फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम 6 डिजिट के लिए पूछ रहा है तो हम 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे और 6 डिजिट का ही हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, से ऑल 6 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है तो ऑल 6 डिजिट के नंबर के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर में से लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को हम माइनस कर देंगे और प्लस 1 और कर देंगे तो हमारे यहाँ से पूरे कंप्लीट नंबर आ जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक है। अगले वाले आगे के क्वेश्चन हम 8 से लेकर 8 वाला क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक हम अगले वीडियो में करेंगे।